राधे न गोपाला राधे कृष्ण गोपाला बजो राधे कृष्ण गोपाला बजो राधे कृष्ण गोपाला जय श्री राधे। जय आसुरी भाव में हम लोग रहते हैं, जिस समय अपने को ऐसा ऊंचा समझते हैं वो आसुरी भाव है, और किसी प्रकार का भी बड़प्पन का भाव लाना ये आसुरी भाव है। किसी भी प्रकार का पक्का आसुरी भाव है। 100% आप समझते हैं अपने आप को कि अब देखो मैंने इतना कर लिया, प्रसिद्धि प्राप्त कर लिया, अब ये करेंगे तो लोग हमको बड़ा मानेंगे। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम, सोलहवें अध्याय में 13 से 20 तक भगवान ने किसी भी बड़प्पन को आसुरी भाव बता दिया, किसी भी बड़प्पन को, और उसमें हम लोग ज्यादा गिरे हुए हैं। आसुरी भाव में हम लोग ज्यादा डूबे। आप देख लीजिए नमूना कि इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि भविष्यति में पुनर्धनम। अच्छा, अब इतना बना लिया है, अब ये बनाना है, इस तरह से प्रभाव हो जाएगा। ये 13वां श्लोक है, आसुरी भाव है अपने लिए ऐसा सोचना। असौ मया हता शत्रु हनिष्ये चापरानपि, हमने उसको हरा दिया। ईश्वरो हम मालिक हैं, ईश्वर माने अपने को मालिक समझना, हम इस स्थान के महंत हैं। आम भोगी हमको अच्छा मालपुआ खाने का हक है, हम मालिक हैं। ईश्वरो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं सिद्ध हूं पूज्य हूं, ये सब भाव आया तो असुर, साधु बाधु कुछ नहीं रहे, असुर बन गए। हम शासक हैं, हम ईश्वर हैं, महंत हैं, हम यहाँ के मंडलेश्वर हैं, हम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ के वो हैं, ये जितना भी मालिकियत के भाव है ये असुर है, निश्चित असुर है। ईश्वरों हम ईश्वर मने शासक समझना, और ऐ तुम हमारी बात नहीं मानते हैं मूर्ति, ये सब आसुरी भाव है। ईश्वरों हम अहम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, आढ्यो अभिजनवान अस्मि, हम बड़े ऊंचे कुल के हैं, अभिजन कहते हैं ऊंचे कुल के। कोन्योस्ति सदृशो में, हमारे बराबर कौन है? ये बड़प्पन का भाव असुर बन गए। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, अब हम इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, यक्ष मन यज्ञ करेंगे, अहंता के साथ सोच लिया असुर बन गए। ये सब विचित्र लीला है, भगवान ने कहा है यक्षे मने यज्ञ करने जा रहे हो, असुर पहले बन गए, तो बड़प्पन के भाव के लिए जा रहे हो। अक्षय दास्यामी, मैं इतना दान दूंगा, अरे तुम तो असुर तो पहले बन गए, दानवान तो पीछे थे हो गए। ये आसुरी भाव के लक्षण भगवान बता रहे हैं। यक्षय दास्यामी मोदिष्य, इस तरह से हम प्रसन्न रहेंगे तो आढ्यो अभिजानस्मि कोन्योस्ति सदृशों में यक्षय दास्यामी मोदिष्य इत्यज्ञान, ये शुद्ध अज्ञान है, 100% अज्ञान। मैं यह करूंगा, अब हमारा यह नाम होगा, अभी इतना बड़ा यज्ञ करूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, अब इतना दान दूंगा, सब आसुरी भाव। ऊपर से लगता है कि बड़ा अच्छा हम सोच रहे हैं, लेकिन है आसुरी भाव, मतलब बड़ी सूक्ष्म बात है। ऊपर से तो लग रहा है कि हम बड़ा अच्छा विचार है, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो अहमता को लेकर चल रहा है, तो इसलिए आसुरी भाव हो गया, बड़प्पन का भाव लेकर के। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चो, और काम भोगों में स्त्री काम नहीं है, अब बर्फी खाएंगे, अब ये खाएंगे, अब ये मारेंगे माल, ये करेंगे, ये आसुरी भाव, छन्ना घुटना। और आत्मसंभाविता, अपनी पूजा
अपना बड़प्पन को लेकर चले, आत्मसंभावना मतलब अपना बड़प्पन, आसुरी भाव आ गया। भले आप यज्ञ करने जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बाबा जी बन गए, सन्यासी बन गए, साधु बन गए, तिलक लगा लिया, कुछ लगा लिया, हाउ असुर। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता, धन सम्मान आदि का नशा है, धन का भी नशा होता है, हम इतने बड़े आदमी, मान का भी नशा होता है, लोग इतना हमको मानते हैं। ऐठ आ गई स्तब्ध, स्तब्ध मन ऐठ, ऐ तुम समझते नहीं हम साधु हैं, तुम क्या समझते हो हमको। बोले असुर तो तुम पहले बन गए, तुम अपने आगे बनते रहो ऊंचे महात्मा साधु या भक्त वैष्णव फलाना, ये है हम बड़े रसिक हैं, हम बड़े ऊंचे वैष्णव हैं, ये सब नहीं। आत्म संभावना के लिए नहीं सब चीजें बनाई गई हैं कि भक्ति मार्ग खोला गया डिपार्टमेंट ऊंचा बनने के लिए, इसलिए नहीं ये डिपार्टमेंट खोला गया, ये तो दीन बनने के लिए, अहमता को नाश करने के लिए खोला गया है। और हम जैसे लोग जहां जाते हैं वहीं एक खोल देते हैं बड़प्पन का झंडा। आत्मसंभाविता, आत्मसंभावना ये आसुरी गुण है, स्तब्धा ऐठ आसुरी गुण है, धन मान इनका मद आ जाना आसुरी गुण है। यजंते नाम यज्ञ इस्ते, वो बड़े बड़े यज्ञ भी करते हैं असुर लोग, बड़ी विचित्र लीला है, बड़ा बड़ा ऊंचा काम भी करते हैं, दंभे नाभिधि पूर्वकम दिखाने के लिए, सब असुर लोग करते हैं। तो इसी तरह से सारे जगह बताया गया है कि किसी भी प्रकार का बड़प्पन अपने में सोच लेना ये आसुरी भाव है। तो इसलिए वो जब बड़प्पन के कटघरे में बंद हो गया तो न सेवा कर पाएगा किसी प्राणी की, और मतलब उसके हाथ पांव कट गए, लंगड़ा लूला हो गया, कुछ कर ही नहीं सकता है। सभी अंगों से सेवा करना, ये इसलिए शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। बन जाता है आदमी असुर और दूसरों को भी असुर बना देता है, साधुता सिखाने के पीछे, भक्ति बिना सिखाने के पीछे या रसिकता बनाने के पीछे वो असुर बना देता है। ये हालत चल रही है। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।